तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं कि बेसिकली ये टू डिस्क है जिसका सेम मास है, मतलब ये डिस्क इसका मास एम है बट इसका रेडियस R1 है, और ये जो डिस्क है इसका मास एम है इसका रेडियस R2 है। दिस इज द डिस्क और इस डिस्क का मास एम है और ये जो डिस्क है इसका रेडियस कुछ R1 है और ये R2 है। ठीक है, ये जो डिस्क है, आई होप कि आप समझ रहे हो। तो डिस्क सामने से देख रहे हैं इसको हम, और ऐसा कुछ ये डिस्क है। ठीक है, तो चलो अगर इस डिस्क की बात करते हैं तो दे हैव थिकनेस 1। अगर इसकी थिकनेस की बात करोगे तो ये जो थिकनेस है दिस इज द थिकनेस, तो इसकी थिकनेस T1 है और इसकी एक की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरा है वो थोड़ा ज़्यादा थिक है। दिस डिस्क इज लेस थिक है, मतलब ये थिकनेस T2 है और वो 0.5 है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर 0.5। ये डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, अगर इसकी डेंसिटी ρ1 है तो इसकी डेंसिटी ρ2 है, तो ये कह रहे हैं कि ρ1 अपन ρ2 की जो वैल्यू है वो 3/5 यहाँ से दिया हुआ है। अब कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट देयर डायमीटर। डायमीटर क्या होता है मेरे भाई, आई होप कि रट लिए होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस वाले एक्सिस पर, नॉट डायमीटर, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mr²/2। और जो डायमीटर है जो उसी के प्लेन में है उस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/4। ठीक है, डायमीटर मतलब उसी के प्लेन में होता है और सेंटर से होके जाएगा। तो आई होप कि ये फार्मूला आपको याद होगा, तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो I1 और I2 का रेशियो हमें निकालना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर रेशियो है x/6 है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि I1 और I2 की रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं I1 निकालता हूँ तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो I1 की वैल्यू आ जाती है mr²/4, और डिवाइड कर दूं मैं I2 से तो I2 की रेशियो आ जाएगी 4/मास, दैट इज R2। ठीक है, तो यहाँ से 4 मतलब I1/I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R1/R2 का होल का स्क्वायर। तो ये जो कंक्लूजन है यही हमारा सलूशन होना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें पता नहीं है कि हाउ मच रेडियस है का रेशियो कितना है। तो हमें ये दिया हुआ है कि मास ऑफ द फर्स्ट डिस्क बराबर है मास ऑफ द सेकेंड, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ρ1 इज इक्वल टू वॉल्यूम V2 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ρ2। तो अगर मैं यहाँ से इन वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं यार, तो ये जो सिलेंडर है फंडामेंटल लॉ है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकला है तो ये जो हाइट है दैट इज हाइट और सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा हाइट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए। तो उसी तरह से डिस्क पहले का जो वॉल्यूम है थिकनेस T1 और एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाई ρ1 बराबर थिकनेस T2 एरिया A2 और मल्टीप्लाइड बाई ρ2। तो यहाँ से तुम देखोगे तो थिकनेस T1 इज इक्वल टू पाई R1² और ρ1 इज इक्वल टू T2, यहाँ से पाई R2² ρ2। तो यहाँ से तुम देखोगे तो फाइनली मेरे पास R1 और R2 का स्क्वायर, यहाँ से जो R1/R2 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा ρ2/ρ1 और मल्टीप्लाइड बाई T2/T1, ये डिवाइड बाई यहाँ पे T1 आ जाएगा ना, तो ये T1। अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा वाला था उसकी थिकनेस 0.5 थी और पहले वाले की 1 थी, और दूसरे वाले की जो डेंसिटी थी वो कितनी थी, ρ1/ρ2 की वैल्यू कितनी थी, देखो थी 3/5 थी, तो ये आ जाएगा 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 5/3 बेसिकली कितना आ जाएगा भाई,
तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये आ जाएगा हाफ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा हाफ, मतलब 5/6, ये फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1/I2 की जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी R1/R2 का होल का स्क्वायर, और इसकी जो रेशियो है दैट इज 5/6। अब जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था X/6 दिया था, तो X की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगी। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो X की जो वैल्यू है दिस एक्स इक्वल टू 6, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।